ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड नियांगशी से, जिसके आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स होते हैं क्योंकि ये माफिया गर्ल जो है। वहीं उसका बिजनेस पार्टनर मिंगहाओ उससे कहता है कि चलो जानेमन तुम्हें डिनर करवाने ले चलता हूँ। नियांगशी कहती है कि हटो मेरे रास्ते से। मिंगहाओ नहीं हटता और कहता है कि हम सब एक फैमिली हैं, इतनी भी पोलाइट मत बनो, चलो ना साथ में एंजॉय करते हैं। नियांगशी फिर से गुस्से से कहती है कि आखिरी बार कह रही हूँ हटो मेरे रास्ते से। वो फिर भी नहीं हटता और उसे टच करते हुए कहता है कि अरे तुम नाराज हो गई, चलो मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करता हूँ। ये सुनकर नियांगशी की बर्दाश्त खत्म होती है, वो उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, हट जाओ यहाँ से। मिंगहाओ अपना गाल पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जैसे ही उसे मारने जाता है पर नियांगशी उसे अच्छा खासा दो डालती है, जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 10 साल पहले नियांगशी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो डरी सहमी बच्ची हुआ करती थी। उसके डैड के मरने के बाद मिस्टर शाओ उसे अपने पास ले आता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिसके बाद मिस्टर शाओ ने उसे अपने पास रखा और फिर एक दिन उसके डैड के कातिल को ढूंढ कर उसके पास ले आया और उसके हाथ पर नाइफ पकड़ा कर कहा कि इसे मार डालो। नियांगशी मारना तो क्या, नाइफ भी पकड़ नहीं पाती, डर के मारे उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। तो मिस्टर शाओ कहता है कि ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे डैड को मारा और तुम्हें अनाथ कर दिया, तो चलो इसे मारो और अपना बदला लो। नियांगशी से फिर भी नहीं हो पाता तो मिस्टर शाओ गुस्से से कहता है कि मारो इसे, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो इसके बदले तुम मरोगी, अब तुम खुद डिसाइड करो कि आज किसकी जान जानी है। ये सुनकर नियांगशी उसे मारने लगती है। उसके मरने के बाद मिस्टर शाओ कहता है कि डरो मत, तुमने सही किया, ये तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इस दिन के बाद से नियांगशी माफिया गर्ल बन गई। प्रेजेंट में ये सब देखकर मिस्टर शाओ खुश होकर कहता है कि मेरी प्यारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ ड्रामे का लीड एक्टर ली शिन को दिखाया जाता है जो माफिया बॉय है और नियांगशी का फियांसे भी। वहीं उसका पार्टनर वैन अपनी गलती पर उससे माफी मांग रहा होता है पर ली शिन कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं जो धोखा खाकर माफ कर दूं। हमने कई सालों से साथ काम किया है लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें तुम्हारी लालच ले डूबी और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। ये कहते ही वो उसके हाथ के फिंगर्स काट देता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें फिश खाना बहुत पसंद है। फिर अपने बंदों से कहता है कि इसे मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दो। दूसरी तरफ नियांगशी रेडी होकर स्टाइलिश वे में ऑफिस आती है जहां रिपोर्टर्स उससे सवाल कर रहे होते हैं कि हमने सुना है आप 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। नियांगशी कहती है कि ये झूठ है। रिपोर्टर कहती है कि सुना है आप अपने ब्रेकअप और एंगेजमेंट के न्यूज से काफी परेशान है, क्या आपका सच में ब्रेकअप हो गया है? नियांगशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये न्यूज भी झूठ है। रिपोर्टर कहती है कि शिन फैमिली में शादी करने के बाद क्या आप ये सब छोड़ दोगी और रिच मैन की वाइफ बनकर रहोगी? तभी वहाँ एक लड़का क्रिपल लड़के को तंग कर रहा होता है और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करता है क्योंकि उसने गलती से उसके शूज खराब कर दिए। नियांगशी ये सब देख लेती है और रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिए बिना उसके पास जाकर कहती है कि माफी मांगो इससे। चूजू क्रिपल बॉय से कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, जल्दी मुझसे माफी मांगो। तो नियांगशी कहती है कि माफी ये नहीं, तुम मांगोगे इससे। चूजू कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, ये वही है जिसने मेरे जूते गंदे किए हैं, ये मत सोचो कि ये लंगड़ा है तो मैं इसे जाने दूंगा, इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर नियांगशी उसके बाल पकड़ती है। चूजू उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाता है पर तभी ड्रामे का सेकंड लीड एक्टर शू यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। नियांगशी जब उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में शू यांग नियांगशी से कहता है कि मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, मिस्टर शिन ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे भेजा है। नियांगशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है? शू यांग कहता है कि मुझे मिस्टर शिन ने भेजा है। तो नियांगशी कहती है कि शायद शिन को ये नहीं पता कि एक चूजा मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो सकता, अगर तुम में सच में एबिलिटी है तो इनसे निपट कर दिखाओ। ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है। उसके दो बंदे शू यांग से लड़ने लगते हैं पर शू यांग दोनों को अच्छा खासा मारने लगता है। नियांगशी ये सब देख रही होती है और उसे बाय बोल कर चली जाती है पर शू यांग उसे ढूंढते हुए उसके पास जाता है तो नियांगशी कहती है कि वाह कितना अच्छा कुत्ता है, मालिक को सूंघते हुए उसके पास आ गया।
शुयांग कहता है कि ये कोई स्मेल नहीं, जीपीएस है। तभी दिखाया जाता है कि कैसे शुयांग ने उसके बैग पर जीपीएस लगा दिया था। शुयांग कहता है कि मिस न्यांगशी, मैंने उन्हें हरा दिया, अब से मैं आपकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। न्यांगशी कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, चलो अब मेरे रास्ते से हटो। वो जाने लगती है तो शुयांग उसे रोकता है और कहता है कि ये मिस्टर शिन का ऑर्डर है, आपको मना करने का कोई हक नहीं। ये सुनकर न्यांगशी गुस्से से उसका चश्मा निकाल कर कहती है कि मैं किसी की गुलाम नहीं जो किसी के ऑर्डर मानती फिरूं। ये कहते ही वो जा रही होती है तो शुयांग उसके पीछे जाकर पूछता है कि आप क्या करोगी। न्यांगशी कहती है कि हम पार्किंग में हैं और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से प्लेन उड़ाकर तो नहीं जा सकते। शुयांग कार में बैठने लगता है तो न्यांगशी कहती है कि क्या मिस्टर शिन ने तुम्हें बॉस के लिए दरवाजा खोलना नहीं सिखाया। शुयांग जाकर उसके लिए कार का डोर ओपन करता है तो न्यांगशी कहती है कि कितना बड़ा बेवकूफ है। न्यांगशी कहती है कि मुझे मिस्टर शिन के पास ले चलो। वो ली शिन के घर पहुंच जाती है। ली शिन जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि इसे पीछे के दरवाजे से ले जाओ। न्यांगशी आती है तो ली शिन उससे प्यार से बात कर रहा होता है, पर न्यांगशी गुस्से में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए जो बॉडीगार्ड ढूंढा है वो मुझे पसंद नहीं। ली शिन कहता है कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं, क्या बुराई है इसमें। न्यांगशी कहती है कि ये लकड़ी के टुकड़े की तरह है, तुम हंसोगे तब भी नहीं हंसेगा, जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। ये सुनकर ली शिन हंसने लगता है और शुयांग के पास जाकर कहता है कि ये मेरा सबसे वफादार बंदा है, इसे तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रख कर मैं बड़े सुकून में हूँ। न्यांगशी कहती है कि ये तुम्हारा वफादार बंदा है, तुम्हें इस पर यकीन है तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ली शिन कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। न्यांगशी शुयांग से कहती है कि हाथ बढ़ाओ। शुयांग हाथ बढ़ाता है तो न्यांगशी उसके हाथ में ऐश फेंकती है, जिसके बाद वो शिन से कहती है कि जैसा तुमने कहा था ये सच में ओबीडियंट है। ली शिन शुयांग से कहता है कि तुम जाओ कार निकालो, मैं आता हूँ। न्यांगशी जा रही होती है तो ली शिन उससे कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, आज रात मैंने चैरिटी डिनर पार्टी रखा है, तुम मेरी फियांसे हो सो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरे लिए वहाँ डोनेट भी करना होगा, पैसों का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है और ड्रेस भी तुम्हारे लिए चूज कर लिया है, बस तुम जाकर रेडी हो जाओ। न्यांगशी ड्रेस को देखती है तो कहती है कि एकदम बकवास और वहाँ से चली जाती है। रात को ली शिन और न्यांगशी रेडी होकर कपल की तरह पार्टी में आते हैं। ली शिन को रेड कलर से नफरत है और न्यांगशी वही कलर का ड्रेस पहनकर उसके साथ आती है तो ली शिन कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझे रेड कलर से नफरत है। न्यांगशी कहती है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रेड कलर पसंद है ना। तभी मिस्टर फेंग न्यांगशी का दीवाना हो जाता है। वो ली शिन से कहता है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी फियांसे है। न्यांगशी मिस्टर फेंग से कहती है कि नाइस टू मीट यू। ये कहते ही वो उसे हाथ मिलाती है तो मिस्टर फेंग उसके हाथ को बुरी तरह से छूने लगता है। ये देखकर ली शिन को गुस्सा आता है, वो उसे वहाँ से ले जाकर खूब मार कर उससे कहता है कि ये वही हाथ है ना जिससे तुमने मेरी न्यांगशी को छुआ। ये कहते ही उसके हाथ को काट देता है और फिर शुयांग से कहता है कि तुम न्यांगशी के पास जाओ, मैं ये सब खत्म कर कर आता हूँ। दूसरी तरफ न्यांगशी मिस्टर शाओ के साथ होती है। मिस्टर शाओ कहता है कि मेरी बेटी तुम लोगों को रास्ते से हटाने का चाल बहुत अच्छा चलती हो, फेंग फैमिली से निपटने के लिए ली शिन का इस्तेमाल करो, वो दोनों आपस में लड़ेंगे जिससे मुझे फायदा होगा और मैं देखकर एंजॉय भी करूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जितनी जल्दी हो सके हमें ली शिन से छुटकारा पाना होगा। न्यांगशी कहती है कि मुझे पता है। मिस्टर शाओ कहता है कि मुझे लगता है कि जिस लड़के को ली शिन ने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड चुना है वो तुम्हारे काम में रुकावट बन सकता है, तुम फिक्र मत करो, डैड उसे तुम्हारे लिए रास्ते से हटा देंगे। ये सुनकर न्यांगशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ली शिन ने उसे मेरे साथ रखा शायद इसलिए कि वो अभी भी मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता, अगर हमने उसके साथ कुछ भी किया तो वो अलर्ट हो जाएगा और हमारा बना बनाया प्लान पर बाद हो जाएगा। मिस्टर शाओ कहता है कि ये तो तुमने सही कहा, ली शिन अनफैदमेबल है, अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए डिवोटेड रहे तो तुम्हें अपने ब्यूटी ट्रिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, उसे अपने सुंदरता से वश में लाओ ताकि वो तुम पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करे। रात को न्यांगशी सपना देख रही होती है, जब वो 10 साल की थी और कुछ लोग उसके डैड को मारने आए थे तो उसके डैड ने उसे अलमारी में छुपा दिया था और कहा था कि बाहर कुछ भी हो तुम मत आना,
तभी एक मास्क मैन आकर उसके डैड को मार डालता है और न्यांगशी की तरफ आता है। ये देखकर न्यांगशी चिल्लाकर नींद से उठ जाती है। बाहर शुयांग जा रोता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके रूम में आता है तो देखता है कि न्यांगशी वहाँ नहीं है। तभी उसे अलमारी से आवाज आती है। वो जैसे ही उसे ओपन करता है तो न्यांगशी उसे देखकर हग करती है, जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। न्यांगशी डरी हुई होती है और उसे टाइट हग करती है। शुयांग समझ जाता है और कहता है कि डरो मत, मैं यहीं हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शुयांग नींद से उठता है तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने हाथ खोलकर बाहर आता है, जहाँ न्यांगशी कॉफी पी रही होती है और उसे कहती है कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम कॉफी पियोगे। शुयांग उसे देखने लगता है और कहता है कि मिस न्यांग, तुम ठीक तो हो ना। न्यांगशी कहती है कि हाँ, मुझे क्या हो सकता है। शुयांग कहता है कि कल रात तो न्यांगशी उसके पास जाती है और उसके बॉडी को टच करके कहती है कि कल रात क्या, वैसे तुम्हारी बॉडी कमाल की है। शुयांग उसका हाथ खुद से हटाता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है तो शुयांग वहाँ से चला जाता है। ली शिन को कल रात के बारे में सब पता चल जाता है। वो शुयांग को बुलाता है तो शुयांग कहता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। ली शिन हंसता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा, तुम भी उसके जाल में फंस गए। शुयांग कहता है कि क्या आप सब जानते हो। ली शिन कहता है कि कुछ साल पहले उनसे कमिटेड शेयर्स होल्डर ने या तो सुसाइड कर लिया या तो वो बैंकक्रप्ट हो गए। न्यांगशी कोई मामूली लड़की नहीं है, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। शुयांग कहता है कि आप सब जानते हो फिर भी उसके साथ हो। ली शिन कहता है कि तुम ये नहीं समझोगे, लड़की जितनी दिलकश होती है वो उतनी ही खतरनाक भी होती है। तुम बस मेरे लिए उस पर नजर रखो, उसे अपनी नजरों से उलझन मत होने देना। जिसके बाद शुयांग न्यांगशी के पास जाता है तो न्यांगशी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओ हाँ, मैं तो भूल गई, तुम तो अनएम्प्लॉयड हो ना। वैसे मेरे पास तुम्हें जानने के लिए काफी समय है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई ढंग सा जॉब ढूंढूं? शुयांग कह रहा है कि मिस न्यांग, थैंक यू, लेकिन मुझे जो काम दिया गया है वो मुझे पसंद है, फिलहाल मेरा जॉब चेंज करने का कोई प्लान नहीं। न्यांगशी को गुस्सा आता है, वो उसे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। वो जा रही होती है। शुयांग उसके पीछे जाता है तो वेटर उसे रोकता है और बिल पे करने को कहता है, पर वो बिल कैसे पे करेगा, वॉलेट तो न्यांगशी के पास होता है। वो उसे उलझा कर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अपने कार में बैठती है तो पीछे से कोई उसे बेहोश करता है। न्यांगशी को कोई किडनैप करके ले जाता है और ये और कोई नहीं मिस्टर फेंग होता है, जिसे ये शेन ने खूब मारा था और उसका हाथ भी काट दिया था क्योंकि उसने न्यांगशी के हाथ को गलत तरीके से छुआ था। वो न्यांगशी के हाथ बांधकर लटका देता है और उसे घूरने लगता है। न्यांगशी को होश आता है और उसे देखकर चिल्लाती है तो मिस्टर फेंग डर जाता है। न्यांगशी कहती है कि मिस्टर फेंग, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बांध कर क्यों रखा है। मिस्टर फेंग कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने तुम्हें किडनैप किया है। न्यांगशी कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। तो मिस्टर फेंग अपना जख्मी हाथ दिखाकर कहता है कि ये देखो। न्यांगशी कहती है कि ये क्या है। मिस्टर फेंग कहता है कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा हाथ गायब है। न्यांगशी कहती है कि अरे हाँ, किसने किया ये तुम्हारे साथ और कहाँ गया तुम्हारा हाथ। मिस्टर फेंग कहता है कि आ मेरा हाथ, ये सब ली शिन ने किया है। न्यांगशी कहती है तो फिर तुमने मुझे क्यों किडनैप किया, मुझे क्यों बांध कर रखा हुआ है। जाओ ली शिन के पास जाओ, उसे यहाँ बांध कर रखो और अपना रिवेंज लो। मिस्टर फेंग कहता है कि ये तो तुमने ठीक कहा। वो जाने लगता है पर तभी रुक जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों से फंसा नहीं सकती, तुम ली शिन की फियांसे हो और मैंने उसकी होने वाली वाइफ को किडनैप किया है। उसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। मैं ना सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मुझे मेरा हाथ लौटा दे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगे। ये सुनकर न्यांगशी हंसने लगती है तो मिस्टर फेंग पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो। न्यांगशी कहती है कि अब मैं तुम्हें स्टूपिड बोलूँ या नादान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से ली शिन डर जाएगा और एक लड़की के लिए वो सब करेगा। क्या तुमने मुझे किडनैप इसलिए किया क्योंकि तुम उसे डरते हो और उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करते। अगर तुम अपना दूसरा हाथ खोना नहीं चाहते तो मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो। मिस्टर फेंग कहता है तो क्या, तुम क्या कर लोगी। न्यांगशी कहती है कि तुम मुझे मार दो, वरना अगर ली शिन ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर गया हूँ, तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता। न्यांगशी कहती है कि क्या तुम में हिम्मत है,
क्या तुमने कभी किसी को मारा भी है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। या तो मेरा गला काट दो या मेरे दिल में छुरा घोंप दो। चलो अब सोच के आ रहे हो, मारो मुझे, निशाना लगाओ। ये कहते ही वो हंसने लगती है। मिस्टर फैंग कहता है कि तुम और ली शिन दोनों ही पागल हो। ये कहते ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ शु यांग होता है। मिस्टर फैंग उसे देखकर डर जाता है। शु यांग सबकी अच्छी खासी धुलाई करके न्यांगशी के पास जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। न्यांगशी कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी भी नहीं, मैं खुद ही इनसे निपट लेती। अगर तुम कुछ देर बाद आते तो इनकी लाशें उठाते। वैसे तुमने मुझे कैसे ढूंढा? शु यांग उसका हाथ खोलता है और उसके क्लोज जाकर GPS निकाल कर कहता है कि इसके जरिए। अब जबकि तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हैं तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। न्यांगशी कहती है कि तुम जब भी मुझसे बात करते हो तो अपना सर नीचे झुकाते हो और मुझे ऐसा भोंदू बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। अब हटो, जाने दो मुझे। शु यांग उसका दूसरा हाथ खोलने ही वाला होता है तभी पीछे से मिस्टर फैंग हमला करता है। न्यांगशी देख लेती है और उसे बचाने के लिए अपना पैर बढ़ाती है जिससे शु यांग बच जाता है, पर न्यांगशी के पैर में चोट लग जाती है। शु यांग उसे लात मारकर घिरा देता है जिसके बाद मिस्टर फैंग और सारे गुंडे वहां से भाग निकलते हैं। चोट लगने की वजह से न्यांगशी चल नहीं पाती, इस वजह से शु यांग उसे उठा कर ले जा रहा होता है। कुछ देर बाद न्यांगशी उससे कहती है कि चलो अब मुझे नीचे उतारो। शु यांग कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? न्यांगशी कहती है कि मुझे अपना हॉरोस्कोप बताओ। शु यांग कहता है क्यों, तो न्यांगशी कहती है कि मुझे देखना है, कहीं तुम मुझे मारने के लिए तो पैदा नहीं हुए? मैंने तुम जैसे बेवकूफ के लिए खुद को जख्मी किया। मेरे मोबाइल की भी बैटरी लो हो गई है। हम ऐसी जगह फंस गए हैं जहां परिंदा भी पर नहीं रखता। अगर मैं स्ट्रांग ना होती तो मैं कब का मर चुकी होती। अब ये टहलना बंद करो और कुछ करो। शु यांग कहता है सॉरी, लेकिन हमें और आगे जाना चाहिए। तभी एक होटल आता है। न्यांगशी रुक जाती है और शु यांग से कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे रेस्ट करना है, मैं तो आज रात यहीं रुकूंगी। ये कहते ही वो होटल के अंदर जाती है। शु यांग भी उसके पीछे पीछे जाता है। होटल मैनेजर को लगता है कि ये दोनों कपल हैं। वो उनसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है। वो शु यांग से अजीब अजीब सवाल कर रहा होता है जो शु यांग को पसंद नहीं आता। वो न्यांगशी का हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन न्यांगशी नहीं जाती। वो अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रुकूंगी। तुम शर्मा क्यों रहे हो? क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ रूम शेयर नहीं किया? तुम इस बात से डर रहे हो कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ कर न दूं या तुम मेरे प्यार में दीवाने न हो जाओ? बोलो, जवाब दो। शु यांग कुछ नहीं बोल पाता। मैनेजर कहता है कि मैम, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल रूम है। न्यांगशी मान जाती है तो शु यांग कहता है कि किसने कहा ये अकेली रहेगी, जिसके बाद दोनों एक ही रूम ले लेते हैं। शु यांग रूम में आकर एम्बेरेसिंग फील करता है क्योंकि वो कपल रूम जो है, पर न्यांगशी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शु यांग से कहती है कि दरवाजा बंद करो, क्या तुम सारी रात दरवाजा खोल कर ही सोओगे? शु यांग दरवाजा बंद करता है। न्यांगशी अपना पैर टेबल पर रखती है तो शु यांग ये देखकर अपनी मुंडी पीछे मोड़ लेता है। न्यांगशी कहती है कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ अपने चोट को साफ करी हूँ, तुमने कुछ और समझ लिया क्या? शु यांग मुड़ता है लेकिन फिर शर्मा कर अपना फेस पीछे मोड़ लेता है तो न्यांगशी कहती है अब कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, आओ और मेरी हेल्प करो, मैं खुद से ये नहीं कर सकती। शु यांग उसकी मरम पट्टी करने लगता है। न्यांगशी उसे देखने लगती है और फिर पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो? शु यांग कुछ कहने ही वाला होता है तो न्यांगशी उसकी बात सुने बिना ही सोने चली जाती है। रात को न्यांगशी फिर से बुरा सपना देख रही होती है और बार बार डैड को बुला रही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर शु यांग उठ जाता है और उसके पास जाता है तो देखता है कि वो नींद में है और डरी हुई है, तो उसके हाथ में टॉय पकड़ा देता है, जिसके बाद न्यांगशी का डर खत्म हो जाता है और वो सुकून से सो जाती है। शु यांग उसे देखते देखते वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यांगशी उसे सोते हुए देख रही होती है। शु यांग उठता है तो न्यांगशी कहती है कि गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, मुझे ये पसंद आया। शु यांग कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, उससे वो लेने लगता है। न्यांगशी नहीं देती। इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। न्यांगशी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। शु यांग पीछे हट जाता है और कहता है ठीक है तुम रख लो। फिर पूछता है कि तुम सारी रात नींद में डैड का नाम ले रही थी, क्या तुम उन्हें मिस कर रही थी? न्यांगशी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डीप में जा रहे हो, अपने काम से काम रखो। शु यांग सॉरी कहता है। न्यांगशी कहती है कि ली शिन नीचे ही है, चलो चलते हैं। वापस आने के बाद न्यांगशी शु यांग के बारे में सोच रही होती है।
न्यांगशी को तो शुयांग से प्यार हो गया है, अब देखना होगा कि उसे कब इस बात का एहसास होगा। ली शिन रूम में आता है तो न्यांगशी उसे देखती है और उसे डैड की बात याद आती है कि वो ली शिन को अपनी अदाओं से दीवाना करे ताकि वो उस पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करे, तो वो ऐसा ही करती है। वो ली शिन से कहती है कि तुम कहाँ थे, मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये कहते ही वो उसके पास जाती है, उसके क्लोज होने लगती है। तभी उसे शुयांग की याद आती है तो वो पीछे हट जाती है। ली शिन को ये पसंद नहीं आता, वो कहता है कि तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं। न्यांगशी उसे पीछे से हग करती है, ली शिन उसका हाथ पकड़ता है पर न्यांगशी अपना हाथ दूर करने लगती है तो ली शिन को उसके बार बार दूर जाने से गुस्सा आता है। वो उसे गुस्से से पुश करके कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरे लिए वो सब करने की जरूरत नहीं जो तुम नहीं करना चाहती। पैसा, शोहरत, रुतबा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर उसे बुल्ली करके कहता है कि ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। न्यांगशी पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तभी ली शिन पास्ट को याद करता है कि कैसे वो न्यांगशी से पहली नजर में प्यार कर बैठा था। ये सब याद करके वो न्यांगशी से दूर हटकर कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, सो जब तक तुम मेरी हो मेरे पास रहो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा और खुद से कभी दूर होने नहीं दूंगा। फिर उसे एहसास होता है कि उसने न्यांगशी के साथ गलत किया तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैं जोश में होश खो बैठा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन न्यांगशी उसे माफ नहीं करती, उसका हाथ दूर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शैनजी को दिखाया जाता है, ये ली शिन की बहन है, जैसा भाई वैसी बहन, ये भी किसी गैंगस्टर से कम नहीं। किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं कि इसे टच कर पाए और अगर कोई इसके साथ बदतमीजी करता है तो ये इसे नहीं छोड़ती। एक लड़का उसके क्लोज जाकर उसे घूरने लगता है तो शैनजी उसका आंख फोड़ देती है। तभी वहाँ शुयांग आता है और उसे सिगरेट छीन लेता है तो शैनजी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से ये छीनने की। वो उसे मारने लगती है, शुयांग पीछे हट जाता है। शैनजी गिरने लगती है तो शुयांग उसे पकड़ लेता है और फिर नजरें मिलने का सीन ऑन। शुयांग कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हें घर ले जाने के लिए भेजा है, तुम अभी बच्ची हो सो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। शैनजी कहती है कि किसने कहा मैं बच्ची हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मुझे ये वापस दो। शुयांग उसका हाथ पकड़ कर उसे ले जा रहा होता है। शैनजी कहती है कि अरे तुम कौन हो, मेरे भाई ने तुम्हें मुझे लाने के लिए क्यों भेजा है, अरे बोलो जवाब दो। शुयांग नहीं सुनता और उसे घर ले आता है। शैनजी खुश होकर ली शिन के पास आती है जहाँ ली शिन गुस्से में बैठा होता है और उसे कहता है कि वहीं रुको, क्या तुम्हें पता है तुम गलत हो। शैनजी उसके पास जाकर सॉरी बोलने लगती है। ली शिन कहता है कि ऐसा मत करो, बिना परमिशन के कॉलेज छोड़ दिया और चुपके से चाइना लौट आई, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दे दिया है जिससे तुम बिगड़ गई हो, सुबह होते ही वापस चली जाना। शैनजी कहती है कि भाई मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ, अगर तुम मेरे लाड नहीं उठाओगे तो और कौन उठाएगा, और ये के मॉम डैड ने मरने से पहले स्पेशली हमसे कहा था कि हमें एक दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए। जब मैं अब्रॉड में होती हूँ तो मुझे हर दिन तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी फिक्र होती है। ली शिन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। शैनजी कहती है कि मुझे डर है कि कोई तुम्हें धोखा देगा, खासकर उस न्यांगशी से। तभी न्यांगशी आती है तो ली शिन कहता है कि न्यांगशी ये मेरी बहन शैनजी है। शैनजी कहती है कि अच्छा तो ये मेरी भाभी है, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। ये कहते ही वो उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं किसी को भी अपने भाई को छीनने नहीं दूंगी, खुश मत हो कि तुम मेरे भाई से शादी कर लोगी, मैं यहाँ तुम्हें भगाने आई हूँ अपनी भाभी बनाने नहीं, मैं तुम्हें भगा कर ही रहूंगी। न्यांगशी को उसकी किसी भी धमकी से डर नहीं लगता, वो उसे अच्छे से बात करती है, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करता देख कर ली शिन भी खुश होता है। नेक्स्ट डे न्यांगशी शूटिंग साइट पर जाती है, उसके साथ शुयांग भी होता है, जिसे देखकर वहां खड़ी सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं और कहती हैं कि ये बॉडीगार्ड कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। ये सारी बातें सुनकर न्यांगशी को गुस्सा आता है, वो शुयांग की तरफ देखकर सोचती है कि क्या ये सच में इतना हैंडसम है, और फिर उन लड़कियों को घूरने लगती है तो लड़कियां वहां से भाग निकलती हैं। एक स्टाफ डायरेक्टर के पास आकर कहती है कि मेल लीड का कार एक्सीडेंट हुआ है, वो आज शूटिंग में नहीं आ सकता। ये सुनकर डायरेक्टर टेंशन में आ जाता है,
तभी उसकी नज़र शू यांग पर पड़ती है तो उसे आज के सीन में कास्ट करने का सोचता है और न्यांगशी से बात करता है तो न्यांगशी मान जाती है और फिर शूटिंग स्टार्ट होने से पहले वो शू यांग से कहती है कि अच्छे से एक्टिंग करना, मेरी इंसल्ट मत करवाना। जिसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है, न्यांगशी उसके मुंह पर पानी फेंक कर अपने डायलॉग्स बोलती है पर शू यांग वहीं फ्रीज हो जाता है। न्यांगशी कहती है चलो अपने डायलॉग्स बोलो पर शू यांग से नहीं हो पाता, वो ठीक से अपने डायलॉग्स भी नहीं बोल पाता तो डायरेक्टर कहता है कि स्टॉप फिर से करो और मेकअप आर्टिस्ट से कहता है कि जाओ मेन लीड का मेकअप करो। दोनों लड़कियां जाकर शू यांग का मुंह पोंछने लगती हैं और मेकअप करना स्टार्ट करती हैं। ये देखकर न्यांगशी जेलस होती है और गुस्सा होकर कहती है कि क्या कोई मेरे पास भी आएगा। डायरेक्टर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, पहले मिस न्यांग के पास जाओ। वो उसे छोड़कर न्यांगशी के पास जाती हैं। तभी वहाँ शेंजी आती है और कहती है कि वाह क्या अंदाज है, क्या आजकल के थर्ड क्लास स्टार्स भी इतने स्टाइलिश हो गए हैं। न्यांगशी मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई से शादी अपने काम निकलवाने के लिए कर रही हो, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि मेरे भाई से शादी करने से पहले उसका नाम यूज करके एक्टिंग मत करो। न्यांगशी कहती है कि जिसे तुम थर्ड क्लास स्टार कह रही हो वो जल्द ही तुम्हारे भाई से शादी करने वाली है, सो मुझे भाभी कहने की आदत डाल लो तुम। शेंजी कहती है कि तुमसे बहस करना फजूल है। फिर शू यांग से कहती है कि चलो साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। न्यांगशी कहती है कि शू यांग मेरा बॉडीगार्ड है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, चलो शू यांग मेरे पीछे आओ। शू यांग उसके पीछे जाता है। ये देखकर शेंजी को गुस्सा आता है। मेकअप रूम में आकर न्यांगशी उसे शर्ट देकर कहती है कि चलो इसे पहनो। शू यांग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या, तो न्यांगशी कहती है कि अपनी हालत देखो, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, चलो इसे पहनो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो ठीक है मुझे वापस कर दो। शू यांग कहता है ठीक है मैं वॉशरूम जाकर पहन लेता हूँ। न्यांगशी कहती है नहीं यही पहनो, अगर तुम्हारे बिना मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं क्या करूँगी। फिर उसके क्लोज जाकर कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। शू यांग कहता है पलटो फिर। न्यांगशी मुंडी घुमा लेती है, तभी उसके हाथ से ब्लड गिर जाता है जिसे देखकर न्यांगशी घबरा जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसे ब्लड फोबिया है, वो जब भी ज्यादा खून देखती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि बचपन में उसने अपने डैड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। शू यांग उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना, तभी उसकी नज़र खून पर पड़ती है तो वो समझ जाता है और ब्लड को अपने शर्ट से छुपा कर कहता है कि ये फेक है, डरो नहीं मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके हाथ शोल्डर्स पर रखता है जैसे कैंग जी मू योंग के साथ किया करता था इट्स ओके टू नॉट बी ओके में। खैर शू यांग कहता है कि ये करने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। न्यांग जी उसे प्यार से देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में शू यांग डायरेक्टर के साथ नेक्स्ट सीन के बारे में बात कर रहा होता है, तभी शेंजी आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लेकर आई हूँ, तुम गीले हो गए थे सो इसे पियो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। शू यांग थैंक्स कहता है। दूर खड़ी न्यांगशी दोनों को देख रही होती है। शेंजी मस्त नहा रही होती है, तभी वहाँ न्यांगशी आती है तो शेंजी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे रूम में ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो। न्यांगशी उसके पास जाकर बैठ जाती है तो शेंजी कहती है कि मेरे भाई को तुम में दिलचस्पी है लेकिन मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं, अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। न्यांगशी पूछती है कि क्या तुम शू यांग को पसंद करती हो। शेंजी कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं कि मैं किसे पसंद करती हूँ किसे नहीं। न्यांगशी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करती हो, अगर तुम ऐसे ही दिखती रहोगी तो शू यांग तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे भाई का दिल कैसे जीता, नहीं ना तो चलो आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मेरे पास एक सीक्रेट है, क्या तुम जानना चाहती हो वो क्या है। शेंजी कहती है कि अच्छा तो वो क्या सीक्रेट है। न्यांगशी उसका पैर पकड़ती है तो शेंजी कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो दूर हटो। न्यांगशी कहती है टैलेंट की थोड़ी कमी है लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। ये कहते ही उसे खींच कर बाहर ले आती है और कहती है कि आंख और होंठ एक लड़की की चेहरे की जान होती हैं, पतली आईब्रो और रेड लिपस्टिक हमेशा लड़कों को अट्रैक्टिव लगता है। ये कहते ही वो उसका लुक चेंज करने लगती है और मेकअप करने के बाद कहती है कि बस लास्ट स्टेप रहता है और फिर शेंजी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। न्यांगशी उसे डांस स्टेप सिखा रही होती है, तभी ली शिन और शू यांग आते हैं, चारों साथ बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। ली शिन शेंजी से कहता है कि एक लड़की को ऐसे ही दिखना चाहिए,
ये एबिलिटी सिर्फ तुम्हारी भाभी में ही है। जो काम मॉम डैड ना कर पाए वो न्यांगशी ने कर दिखाया। न्यांगशी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, शेंजी है ही इतनी ब्यूटीफुल। फिर शू यांग से पूछती है कि तुम क्या कहते हो उस बारे में। शू यांग कुछ नहीं कहता तो शेंजी कहती है कि भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छी ही लगूंगी। शू यांग तुम ही बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। शू यांग नजरें झुकाकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ली शिन हंसता है और शेंजी से कहता है कि शू यांग को तंग करना बंद करो। फिर न्यांगशी से कहता है कि कल के डिनर पार्टी में शेंजी को अपने साथ ले जाना, इसे भी कुछ सीखना चाहिए। न्यांगशी कहती है ठीक है, शू यांग हमें वहाँ ले जाएगा। शू यांग हाँ कहता है तो न्यांगशी शेंजी को आंख मार कर कहती है कि हो गया तुम्हारा काम। शेंजी खुश होती है। नेक्स्ट डे न्यांगशी शू यांग के साथ पार्टी में जाती है। शेंजी वहाँ पहले से ही होती है और न्यांगशी से कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गई। न्यांगशी उसके पास जाकर कहती है कि आज शू यांग तुम्हारा है। शेंजी खुश होकर शू यांग के पास जाकर कहती है कि चलो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। शू यांग उसके साथ चला तो जाता है पर उसकी नजरें न्यांगशी पर टिकी होती हैं, जो कुछ लोगों के साथ होती है। तो शेंजी कहती है कि भाभी यहाँ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। वो उसे खींच कर अपने साथ ले जाती है। एक बिजनेसमैन न्यांगशी के पास आता है और ड्रिंक करने के बाद उसके बॉडी को टच करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्किन बहुत स्मूथ है। तभी शू यांग आता है और उसे न्यांगशी से दूर करके घिरा देता है और फिर न्यांगशी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। बाहर आकर न्यांगशी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रख रहे। शू यांग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। न्यांगशी कहती है कि तुम किसके कहने पर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ली शिन के कहने पर या किसी और के कहने पर। शू यांग कुछ नहीं कहता तो न्यांगशी कहती है कि दूसरों के कहने पर मुझे प्रोटेक्ट करना बंद करो, अगर ये नहीं कर सकते तो मेरे पीछे भी मत आना। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का जानबूझकर न्यांगशी को धक्का देता है जिससे वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। न्यांगशी को तैरना नहीं आता, तभी शू यांग उसे बचा लेता है और पानी से निकाल कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फाइनली न्यांगशी को होश आता है, शू यांग उसे उठा कर ले जा रहा होता है। ये नज़ारा देखकर शेंजी जेलिस होती है। शू यांग उसे रूम में ले आता है और लेटा कर वहाँ से चला जाता है। शेंजी को होश आने लगता है, वो शू यांग का नाम पुकारती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने मिस्टर शिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर शिन न्यांगशी के बालों में कंघी करते हुए कहता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसने काफी समय से अपने डैड की बात नहीं सुनी, वो अभी भी उसे वो देने से इनकार कर रही है जो वो चाहते हैं। न्यांगशी डरते हुए कहती है कि मैं ऐसे लड़के के साथ डील कर रही हूँ जिससे मैं प्यार नहीं करती, सो प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दें। ये सुनकर मिस्टर शिन उसके बाल पकड़ कर पानी में डुबा कर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें काफी समय नहीं दिया, जब तुम 10 साल की थी तब से मैंने तुम्हें पाला है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, बचपन में भी मिस्टर शिन उसे धमका कर अपना काम करवाया करता था। वो उसे बुली करके कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, तुम किसी को मार भी नहीं सकती, अगर तुम दूसरों को मार नहीं सकती तो उनके लिए खुद मरो। यही रीजन है कि न्यांगशी आज तक मिस्टर शिन से डरती हुई आई है। मिस्टर शिन उसे बचपन की तरह आज भी धमका कर अपनी बात मनवाता है। वो न्यांगशी को बार बार बुली करके कहता है कि मैंने इतने सालों में तुम्हें जो सिखाया वो ये कि लड़कों के साथ कैसे डील करना है, अगर तुमने ली शिन को बर्बाद नहीं किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारा वो प्यार भी मर जाएगा। ये कहते ही वो उसे फिर से बुली करने लगता है। रूम के बाहर शू यांग गुजर रहा होता है, तभी वो न्यांगशी की आवाज़ सुनता है तो वो भागते हुए रूम की तरफ जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। मिस्टर शिन उसकी आवाज़ सुनता है और वहाँ से भाग निकलता है। न्यांगशी दरवाज़ा ओपन करती है, शू यांग पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी न्यांगशी बेहोश होकर उसके बाहों में गिर जाती है। शू यांग उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। तभी वो एक्सरे देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया था और फिर उसे याद आता है कि जब वो यहाँ आ रहा था तो उसने किसी को जाते हुए देखा था। तो न्यांगशी से पूछता है कि क्या वो शख्स अभी भी यहाँ है।
ये कहते ही वो जाने लगता है तो न्यांगशी कहती है कि मत जाओ और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है जिससे दोनों क्लोज हो जाते हैं। फिर न्यांगशी बेहोश हो जाती है। शुयांग उसके फॉरहेड पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि न्यांगशी को बहुत तेज फीवर है। उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगता है ताकि उसका फीवर कम हो और कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या राज है, ऐसी क्या बात है जो तुम छुपा रही हो। ये कहते ही वो चला जाता है। न्यांगशी को मिस्टर शिन की बात याद आती है कि डैड को फिर से नाराज मत करना वरना जो तुम्हारे दिल के करीब है उसे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तभी वहाँ ली शिन आता है और गुस्से से उसका ब्लैंकेट हटाता है क्योंकि शुयांग ने उसे बता दिया कि कोई न्यांगशी के रूम में आया था। न्यांगशी उसे दूर होने लगती है। ली शिन उसे पकड़ कर कहता है कि कौन है वो लड़का, क्या उसने तुम्हें टच किया। न्यांगशी कुछ नहीं कहती और उसे दूर होने लगती है लेकिन ली शिन उसे जाने नहीं देता और कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। ये कहते ही उसे फोर्स करने लगता है। न्यांगशी की बेरुखी से ली शिन दूर हो जाता है और पानी पीने के बाद गिलास गुस्से से फेंक कर कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। न्यांगशी कुछ नहीं कहती तो ली शिन उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि बताओ जवाब दो मुझे। न्यांगशी कहती है कि जब मैं पहले से ही तुम्हारी हूँ, तुम्हारे साथ हूँ तो मुझसे प्यार करने के लिए क्यों कहते हो। ली शिन कहता है कि क्या तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तभी न्यांगशी को डैड की बात याद आती है कि जल्द ही ली शिन को बर्बाद करो वरना तुम्हारे साथ तुम्हारा वो प्यार भी मरेगा। न्यांगशी जानती है कि उसका डैड कुछ भी कर सकता है, वो अपनी वजह से शुयांग को कुछ होने नहीं दे सकती, इसलिए वो ली शिन से कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो एक ना एक दिन तुमसे प्यार हो ही जाएगा। नेक्स्ट डे ली शिन, शुयांग, शेनजी और न्यांगशी वेडिंग ड्रेस खरीदने आते हैं। न्यांगशी वेडिंग ड्रेस पहनकर जैसे ही बाहर आती है तो उसे देखकर ली शिन देखता ही रह जाता है और शुयांग के तो होश ही उड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं शुयांग भी न्यांगशी से प्यार कर बैठा है लेकिन वो शायद ये मानने से डर रहा है क्योंकि ली शिन उसका बॉस नहीं भाइयों जैसा है और वो ये भी जानता है कि ली शिन न्यांगशी से बेहद प्यार करता है, वो उसे खुद से कभी दूर होने नहीं दे सकता, इसलिए वो ली शिन को धोखा नहीं देना चाहता। अब देखना होगा शुयांग अपनी फीलिंग्स की सुनेगा या वो ली शिन के खातिर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करेगा। खैर, शॉप वर्कर न्यांगशी की तारीफ करते हुए कहती है कि सो ब्यूटीफुल, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। फिर वो शुयांग को उसका फियांसे समझ कर कहती है कि क्या ग्रूम यहाँ आकर अपना सूट ट्राई कर सकते हैं। ये सुनकर न्यांगशी शुयांग की तरफ देखती है। शुयांग उसे कुछ नहीं कहता लेकिन शेनजी जेलिस होकर उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हें पता नहीं ग्रूम कौन है। धूला ये नहीं, मेरा भाई ली शिन है, शॉप वर्कर सॉरी कहने लगती है। शेनजी कहती है कि अपने स्टोर मैनेजर को कॉल करो, उसे अभी के अभी यहाँ बुलाओ, ऐसे स्टूपिड लोग हमें सर्व करने के लायक नहीं। ली शिन कहता है कि कोई बात नहीं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और मैं इतनी छोटी सी बात के लिए उसे खराब नहीं करना चाहता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यांगशी शादी के लिए मान गई और आखिरकार उसने मेरे नाम का वेडिंग ड्रेस पहन ही लिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि न्यांगशी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमेशा मेरे पास रहेगी। ये सुनकर शुयांग सैड हो जाता है। शेनजी कहती है कि भाई तुम सच में बहुत सेल्फिश हो, जब तुम्हारी फियांसे तुम्हारे सामने होती है तो तुम अपनी इकलौती बहन को भूल जाते हो, ये ठीक नहीं है। ली शिन कहता है कि तुम मेरी लाडली बहन हो, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। चलो जाओ अपनी पसंद का ड्रेस चुन लो, मेरी बहन मेरी शादी में प्रिंसेस दिखनी चाहिए। ये सुनकर शेनजी खुश हो जाती है और शॉप वर्कर के साथ ड्रेस सिलेक्ट करने चली जाती है। बाद में चारों साथ मिलकर ग्रुप फोटो लेते हैं। दुल्हन के ड्रेस में न्यांगशी बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही। ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद सब वापस आते हैं। शुयांग तस्वीर को जूम करके न्यांगशी को देखने लगता है तो शेनजी देख लेती है और पूछती है कि ये तुम जूम करके क्या देख रहे हो। ली शिन सुन लेता है और तिरछी निगाहों से उसे देखने लगता है तो शुयांग बात पलट कर ली शिन से पूछता है कि बॉस अब हमें कहाँ जाना है। शेनजी कहती है कि भाई पास में ही एक म्यूजिक रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ चलते हैं, लगे हाथ आपकी तरफ से शादी का ट्रीट भी मिल जाएगा।
ली शिन हंसता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम लालची हो। और फिर शू यांग से कहता है कि जहां ये जाना चाहती है वहां ले चलो। शेंजी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सिंगल लाइव सिंगिंग कर रहा होता है। हर कोई अपने प्यार की तरफ देखकर सॉन्ग को फील करता है। शू यांग न्यांगशी की तरफ देखता है जो खुश दिखाई नहीं दे रही। वो कहीं न कहीं ये बात जानता है कि न्यांगशी इस शादी से खुश नहीं है। न्यांगशी भी उसे देखने लगती है। दोनों को एक दूसरे की तरफ देखता देखकर ली शिन थोड़ा शॉक्ड होता है और उन्हें देखने लगता है। अब देखना होगा क्या ली शिन को पता चल पाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। खैर, लव सॉन्ग सुनने के बाद शेंगजी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो सबके सामने चिल्लाकर शू यांग को प्रपोज करती है और कहती है कि शू यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो साथ में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। वहीं बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ कह दो, हाँ कह दो। पर शू यांग कोई जवाब नहीं देता। वो बस न्यांगशी को देख रहा होता है। पहले तो ली शिन शेंजी के लिए खुश होता है, पर जब वो देखता है कि अभी तक न्यांगशी और शू यांग एक दूसरे को देख रहे हैं तो उसकी हंसी रुक जाती है। वो शू यांग से कहता है कि शेंजी मेरी बहन है, उसे कभी हर्ट मत करना। शेंजी शू यांग के जवाब का इंतजार कर रही होती है। तभी लोगों की नज़र न्यांगशी पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि वो देखो सुपरस्टार न्यांगशी। वो उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं तो न्यांगशी गुस्सा होकर कहती है कि बस बहुत हुआ, तुम सबने काफी तस्वीरें ले ली। फिर ली शिन से कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, वापस जा रही हूँ और आज मेरा तस्वीरें निकलवाने का कोई मूड नहीं। ये कहते ही वो चली जाती है। ली शिन अपसेट हो जाता है और शू यांग से कहता है कि तुम उसके साथ जाओ। शू यांग उसके पास चला जाता है। लेट नाइट ली शिन शू यांग से कहता है कि मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए, लेकिन मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा भाई मानता हूँ। मैं न्यांगशी से बहुत प्यार करता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत से सीक्रेट मुझसे छुपा रही है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना मैं उससे करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने प्यार पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं दे सकता, वो सिर्फ मेरी ली शिन की वाइफ बनेगी। मुझे डर है कि शादी से पहले कोई उसे मुझसे छीन कर ले जाएगा, सो प्लीज मेरे लिए उस पर नजर रखो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। शू यांग हाँ कहकर जाने लगता है तो ली शिन उसे रोकता है और कहता है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। शू यांग कहता है हाँ, आप हमेशा मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये कहते ही वो जैसे ही बाहर आता है तो शेंजी खड़ी होती है। उसने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और न्यांगशी के पास आकर उसे जोरदार थप्पड़ दे मारती है। बदले में न्यांगशी भी उसे थप्पड़ दे मारती है तो शेंजी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। न्यांगशी कहती है कि पहले तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उसके बदले मैंने भी तुम्हें थप्पड़ दे मारा, हिसाब बराबर। शेंजी कहती है कि मैं तुम्हें इस सीजर से मार डालूंगी। न्यांगशी कहती है कि आओ मारो मुझे, अब मैं तुम्हें बेवकूफ कहूँ या नादान, तुम्हें क्या लगता है मैं इस छोटे से सीजर से डर जाऊंगी। तुम ली शिन की बहन हो तो कोई और तुमसे प्यार क्यों करेगा, तुम किसी को भी खुद से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तुम और शू यांग दोनों ही बेवकूफ हो, तुम खुद को प्रिंसेस समझती हो, तुम्हें लगता है कि तुम फेरी टेल वर्ल्ड में रह रही हो, लेकिन नहीं ये कोई फेरी टेल वर्ल्ड नहीं, असल दुनिया है। क्या हुआ, सच जानकर गुस्सा आ रहा है? फिर उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि चलो आओ इस सीजर से मेरा गला काट दो। न्यांगशी का ब्लड निकलता है तो ये देखकर शेंजी घबरा कर सीजर नीचे गिरा देती है। न्यांगशी कहती है कि अगली बार किसी को मारने से पहले चाकू को कस कर पकड़ लेना। शेंजी कहती है कि तुम कितनी पागल हो। ये कहते ही वो चली जाती है। न्यांगशी दरवाजा बंद करने लगती है तो बाहर खड़ा शू यांग उसे देख लेता है और ये भी कि उसके गले से खून जा रहा है, पर जाते हुए भी वो उसके पास नहीं जाता। न्यांगशी दरवाजा बंद कर देती है। एक तरफ न्यांगशी तड़प रही होती है तो दूसरी तरफ शू यांग, पर दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। दोनों की अपनी मजबूरी, रोने और तड़पने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। शू यांग कार में बैठकर ली शिन के ऑर्डर को फॉलो कराता है। ली शिन कॉल पर उसे कहता है कि वो हर वक्त न्यांगशी के साथ रहे,
लीशिन से बात करते समय शुयांग की नज़र मिस्टर शाओ पे पड़ती है जो न्यांगशी से मिलकर आ रहा है। शुयांग को याद आता है कि ये वही पर्सन है जो उस दिन न्यांगशी के रूम से गुजरा था, तो वो शराबी होने का नाटक करके उसके पास जाता है और उसे रोक कर चलाकी से उसके जेब में GPS डाल देता है। मिस्टर शाओ के जाने के बाद शुयांग न्यांगशी को वापस ले जा रहा होता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। शुयांग ट्राई करता है पर फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती, तो वो न्यांगशी से कहता है कि मैं देखता हूँ क्या मसला है। वो जाकर कार चेक करने लगता है। न्यांगशी मोबाइल पर मिस्टर शाओ की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जो असिस्टेंट से कहता है कि ली शिन और न्यांगशी की शादी होने वाली है, सो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। न्यांगशी सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है और हमारे लिए बहुत यूजफुल। उसे ये सच कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसके डैड को मारने वाला और कोई नहीं मैं ही था। ये सुनकर न्यांगशी शॉक्ड होती है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब मिस्टर शाओ ने उसे अडॉप्ट किया था तो तभी उसने ठान लिया था कि उसे अपनी बेटी बना कर रखेगा ताकि उसे कभी भी ये सच पता ना चल पाए कि उसके डैड को मारने वाला वही था। फिर क्या, न्यांगशी सीधा मिस्टर शाओ के घर जाती है। गार्ड्स उसे रोकते हैं तो न्यांगशी उन्हें मार कर घर के अंदर जा रही होती है और सोचती है कि मिस्टर शाओ, मुझे लगा कि तुम सच में मुझे अपनी बेटी समझते हो, इसलिए आज तक मैं सब चुपचाप सहती रही। तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो सब किया। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सब मैं भूल जाऊंगी, लेकिन तुमने जो कुछ भी मेरे डैड के साथ किया उसका बदला मैं आज तुमसे लेकर ही रहूंगी। ये सोचते ही वो सबको मार कर मिस्टर शाओ के पास जाती है जो बड़े आराम से कॉफी पी रहा होता है। न्यांगशी तलवार निकाल कर उन पर हमला करती है जिससे मिस्टर शाओ इंजर्ड हो जाता है और न्यांगशी से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। न्यांगशी गुस्सा होकर कहती है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे डैड नहीं हो, तुमने मेरे डैड को मार डाला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस समय तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, क्यों मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा? तुम्हें अंदाजा भी है इतने सालों तक मैं कितना हर्ट हुई और क्या क्या सहती रही। मिस्टर शाओ कहता है ठीक है फिर मुझे मार डालो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले सिखाया है कि एक बेटी अपने डैड को कैसे हरा सकती है। ये कहते ही वो चालाकी से गन उठा रहा होता है और कहता है कि चलो मारो, अपना बदला लो। न्यांगशी जैसे ही उन्हें मारने लगती है तभी मिस्टर शाओ से शूट करता है। गोली सीधा न्यांगशी के शोल्डर पर लग जाती है और वो गिर पड़ती है। मिस्टर शाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार डालोगी। ये कहते ही वो फिर से उस पर शूट करने लगता है। तभी शुयांग आता है और लात मार कर उसके हाथ से गन गिरा देता है और साथ ही मिस्टर शाओ को भी। फिर वो न्यांगशी के पास जाता है तो न्यांगशी कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। शुयांग कहता है नहीं सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। न्यांगशी कहती है कि खुद को ब्लेम मत दो, अगर तुम कुछ देर बाद आते तो बहुत सी लाशें उठाते और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तभी दिखाया जाता है कि शुयांग ने मिस्टर शाओ के जेब में GPS के साथ साथ हिडन माइक भी डाल दिया था। जब वो उनकी बातें सुन रहा था तभी उसने न्यांगशी की आवाज़ भी सुन ली थी। फिर क्या, शुयांग सब छोड़ छाड़ कर वहाँ आ गया। वो न्यांगशी को हग करके रोने लगता है और फिर उसे उठा कर ले जा रहा होता है। वहीं मिस्टर शाओ तड़प तड़प के मर जाते हैं। शुयांग न्यांगशी को घर ले आता है और कहता है कि तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ। ये कहते ही वो मेडिसिन लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद न्यांगशी अपने बॉडी से ब्लड साफ करने के बाद बाथटब में लेट जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी सही समय में शुयांग आता है और उसे बचा कर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। न्यांगशी कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मर जाने दो मुझे, इतने सालों तक मेरे जिंदा रहने की बस एक ही वजह थी, अपने डैड के कातिल को ढूंढ कर उसे मारने की। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कातिल मेरे नजरों के सामने है जिसे मैंने हमेशा अपना डैड समझा। मैं पिछले 10 सालों से एक जॉम्बी की तरह जी रही हूँ, कभी कोई खुशी का दिन नहीं बीता, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत बचाओ, मर जाने दो मुझे। शुयांग कहता है कि तुम्हारे पास जीने की वजह है, वो हूँ मैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ये सब मेरी गलती है, अब मैं तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा।
फाइनली शुयांग ने अपनी फीलिंग्स न्यांगशी को बता ही दी। कुछ दिनों बाद न्यांगशी ठीक हो जाती है। शुयांग न्यांगशी को उठाता है क्योंकि वो उसे बाहर डेट पर ले जाना चाहता है। न्यांगशी नहीं उठती तो शुयांग उसका हाथ पकड़ कर उठाता है और कहता है कि चलो अब उठो, आज के दिन तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जियोगी। जिसके बाद दोनों साथ घूमने निकल पड़ते हैं। न्यांगशी काफी खुश होती है और शुयांग से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। शुयांग कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। न्यांगशी कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शुयांग कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी का भी डर नहीं। न्यांगशी कहती है मुझे भी। नेक्स्ट सीन में न्यांगशी वोमिटिंग कर रही होती है तभी वहाँ खड़ी एक लेडी उसे टिश्यू देती है और पूछती है कि तुम कितने मंथ की प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही हैं? न्यांगशी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेडी कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे चेहरे से मुझे लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मेरी बेटी भी अभी प्रेग्नेंट हुई है, तुम बिल्कुल उसकी तरह वोमिटिंग कर रही हो, सो जाओ अपना चेकअप करवाओ। उसकी बातें सुनकर न्यांगशी शॉक्ड होती है और उसे भी यकीन होने लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। फिर क्या, वो अपना चेकअप करवाती है तो वो सच में प्रेग्नेंट होती है और ये बच्चा शुयांग का है। न्यांगशी मिस्टर शाओ की वजह से ली शिन के साथ शादी करने के लिए मान गई थी, तो अब जब के मिस्टर शाओ नहीं रहा तो न्यांगशी ली शिन से शादी क्यों करेगी। नेक्स्ट डे ली शिन अकेला उदास बैठा होता है और न्यांगशी का इंतजार कर रहा होता है। न्यांगशी आती है तो ली शिन उसे देख कर कहता है कि न्यांगशी आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। न्यांगशी कहती है कि मैं जानती हूँ और मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। ली शिन कहता है कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हम बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं और मैंने आज तक तुम्हें फॉर्मली प्रपोज नहीं किया, सो आज मैं तुम्हें प्रपोज करने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो रिंग निकाल कर घुटनों के बल बैठ कर कहता है कि न्यांगशी क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी वाइफ बनोगी। न्यांगशी रिंग निकाल कर उसे देखने लगती है और कहती है कि ओ डायमंड रिंग काफी एक्सपेंसिव है। ली शिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। न्यांगशी रिंग फेंक कर कहती है कि जाओ इसे मेरे लिए उठा कर ले आओ। ये देख कर ली शिन गुस्से से कहता है कि तुम एग्जैक्टली करना क्या चाहती हो, तुम बार बार मेरे सब्र का इम्तहान क्यों लेती हो, मेरे प्यार को क्यों आजमाती हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। न्यांगशी कहती है लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। ये सुनकर ली शिन गन निकाल कर उस पर तान कर कहता है कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे और शुयांग के बीच क्या चल रहा है? तुम्हें लगता है कि मुझे धोखा देने पर मैं तुम दोनों को बख्श दूंगा? मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जब तक तुम मुझसे ये नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। न्यांगशी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सुन लिया तुमने? ये सुनकर ली शिन रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ये कहना मुश्किल है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बस एक सिंपल सा सेंटेंस है, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। न्यांगशी कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं बस मिस्टर शाओ के कहने पर तुम्हारे साथ थी, खेल शुरू मैंने किया है तो उसे खत्म भी मुझे ही करना होगा। ये कहते ही वो जाने लगती है तो पीछे से ली शिन आकर उसे पकड़ कर कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। न्यांगशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जाकर टेबल से टकरा जाती है जो सीधा उसके बेली पर लगता है। तभी वहाँ शैनजी और शुयांग आता है। ली शिन कहता है कि वहीं रुको, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना, तुम पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना? जवाब दो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? शैनजी कहती है कि शुयांग तुम भाई को समझाओ, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, जरूर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। शुयांग कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं कसूरवार हूँ? शुयांग एक्सेप्ट कर लेता है कि वो न्यांगशी से प्यार करता है। सच जानकर शैनजी शॉक्ड होती है। ली शिन हंसने लगता है और कहता है कि न्यांगशी इस गन में सिर्फ एक ही गोली है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुमसे अलग होने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। ये कहते ही वो जैसे ही खुद को मारने की कोशिश करता है पर गन फायर नहीं होती, तो ली शिन कहता है कि ये कहना बहुत आसान है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने प्यार को साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते ही वो फिर से खुद को मारने लगता है लेकिन बच जाता है।
फिर हंसते हुए कहता है कि अगर ये पागलपन है तो हाँ मैं पागल हूँ। फिर वो न्यांगशी से कहता है कि अब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये कहते ही वो फिर से खुद को मारने लगता है तो शेंसी कहती है कि भाई प्लीज ऐसा मत करो। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने लगता है तो न्यांगशी कहती है कि बस बहुत हुआ, रुक जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शू यांग न्यांगशी की तरफ देखने लगता है। ली शिनगन शू यांग की तरफ फेंक कर कहता है कि सिर्फ वही लोग प्यार को डिजर्व करते हैं जो उसे पाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं, और न्यांगशी मेरी है। फिर वो न्यांगशी के पास जाकर कहता है क्योंकि हम दोनों ही पागल हैं इसलिए हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। न्यांगशी कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। फिर शू यांग से कहती है कि तुम जाओ, अब ये खेल खत्म होने का समय आ गया है। शू यांग कहता है कि न्यांगशी मुझे यकीन है कि तुम जो भी डिसीजन लोगी उसमें तुम्हारी खुशी होगी और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी मुझ में है। न्यांगशी कहती है कि दौलत और शोहरत मुझे खुश करने के लिए काफी है, सो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। शू यांग कहता है कि मैंने कहा ना खुद को ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो जो तुम नहीं करना चाहती। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं आज तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। न्यांगशी कहती है कि बेवकूफ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये कहते ही वो पीछे मुड़ती है। शू यांग पूछता है क्यों, तो न्यांगशी कहती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शू यांग और ली शिन जैसे ही उसे देखते हैं तो उसका मिसकैरेज हो चुका होता है। ली शिन उसके पास जाने लगता है तो न्यांगशी खुद पर गन तान कर कहती है कि वहीं रुको, मेरे पास मत आना। शू यांग कहता है कि न्यांगशी प्लीज ऐसा मत करो। ली शिन कहता है कि सॉरी, इसे नीचे रखो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। न्यांगशी कहती है जहाँ तक मुझे याद है इस गन में सिर्फ एक ही गोली है। ये सुनकर ली शिन घुटनों के बल बैठ जाता है और खुद को थप्पड़ मार कर कहता है कि न्यांगशी मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है और मैं मरने के लायक हूँ। शू यांग कह रहा है कि पहले ये गन नीचे रखो, आज चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। ली शिन कहता है कि ये गन नीचे रखो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। न्यांगशी ली शिन से माफी मांगती है और शू यांग से कहती है कि शू यांग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते ही वो खुद को मार देती है और न्यांगशी की मौत के साथ ये ड्रामा भी यहीं पर एंड होता है। न्यांगशी ने खुद को मार कर दोनों को तड़पने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी जान गंवा कर दोनों की जान बचा ली। अगर न्यांगशी जिंदा होती तो शायद ली शिन या शू यांग दोनों में से कोई ना कोई मरता, तो उसने खुद को मार कर ही ये खेल यहीं पर खत्म कर दिया। तो आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।